आप हमारे चैनल में पहले आए हैं तो पहले सब्सक्राइब कीजिए, फिर बेल आइकन दबाइए, और अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट कीजिए। थैंक यू। आपको हमारा चैनल डेवलप गुरु में स्वागत है। आज हम बात करेंगे कोडरमा गिरिडीह रेलखंड पर रेल सुरक्षा आयोग इलेक्ट्रिफिकेशन का निरीक्षण किया। कब से चलेगी इलेक्ट्रिक ट्रेन आखिर तक जरूर सुनेगा, और अच्छी लगी तो लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब करेगा, क्योंकि ऐसे न्यूज में ही लाता रहता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। धनबाद रेल डिवीजन ने गुरुवार को एक और नई उपलब्ध हासिल की है। कोडरमा गिरिडीह रेलखंड अंतर्गत रेमा से महेशमुंडा लगभग 55 किलोमीटर में विद्युतीकरण कार्य का दूसरा चरण का ईस्ट साउथ सर्कल के रेल सुरक्षा आयुक्त अभय कुमार राय और धनबाद रेल डिवीजन के महाप्रबंधक अनिल मिश्र अपनी विशेष सैलून से कोडरमा पहुंची। कोडरमा से विद्युत इंजन के जरिए विद्युतीकरण कार्य का जायजा लिया। मालूम है कि कोडरमा से महेशमुंडा 110 किलोमीटर का विद्युतीकरण कार्य होना है, जिसमें मार्च में ही कोडरमा से कोबाट तक पहला चरण का कार्य पूरा हो गया था। अब इस रेलखंड पर विद्युतीकरण पर ट्रेन दौड़ेगी। इसके सीआरएस के अनुमति के बाद संभवतः अक्टूबर से ही शुरू कर दिया जाएगा। थैंक यू।